नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं इंडिया पोस्ट में निकली हुई भर्ती के बारे में। इंडिया पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में हो रही है। तो देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट के लिए हो रही है और प्रतिमाह आपको सिलेक्ट होने पे वेतन अच्छा खासा मिल जाएगा जो कि 18,000 से 29,700 रुपये तक हो सकता है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या है, ऐसी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक इंपॉर्टेंट लिंक दी है जिस पर आप क्लिक कर कर इस जॉब के रिलेटेड पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो, जिससे आपको इस पोस्ट को अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसे हमने कहा कि लिंक प्रोवाइड की है, उस लिंक पर क्लिक कर कर आप ये जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट की जो आर्टिकल है यहाँ पर आ सकते हो और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो PDF है उसे देख सकते हो और ऑनलाइन तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जॉब लोकेशन क्या है। जॉब लोकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए वेस्ट बंगाल है, तो सिलेक्ट होने पर आपकी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में होगी। तो हमारे जो भी उम्मीदवार वेस्ट बंगाल से है या वेस्ट बंगाल में जॉब पाना चाहते हैं, इस अवसर का आप लाभ उठाइएगा और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी हो रही है उसे तुरंत अप्लाई करिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है 242, यानी देखा जाए तो अच्छी खासी वैकेंसीज है यहाँ पर और वेस्ट बंगाल में हो रही है, तो एक सुनहरा मौका है हमारे वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए जॉब पाने का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है मिनिमम 10th पास, तो अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 10th पास होना ज़रूरी है। 12th पास हुए उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए है 5/9/2018 यानी 5/9/2018 यानी ही 5 सितंबर 2018 यानी 5 सितंबर यानी कल से ही अप्लाई करना शुरू हो चुका है और अधिकतम आप 4 अक्टूबर 2018 तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। 4 अक्टूबर के बाद आपका अप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा, ये आप जान लीजिएगा। तो हमारे जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं ये जान लीजिए। तो अब हम देखेंगे PDF में क्या हमें जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी बताई गई है। एज रिलैक्सेशन के आधार पर आप देख सकते हो SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। हैंडीकैप जो कैंडिडेट होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है और जो SC ST से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। और 3 ईयर्स का एज डिडक्शन है एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है और उसका पैटर्न भी यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार 10वीं पास है उनको जो Part 1 वाला एग्ज़ाम होगा जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए होंगे। बी मैथमेटिक्स जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है और रीजनल लैंग्वेज में हिंदी शब्दपद क्रियापद ऐसे टॉपिक्स आपको होंगे। तो कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है, टोटल 100 मार्क्स की एग्जामिनेशन है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 घंटे की एग्जामिनेशन होने वाली है 120 मिनट्स की। तो 2 घंटे में आपको पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर है सॉल्व करना है। तो हमारे जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं ये जान लीजिएगा। अप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर भरनी है और कॉस्ट फॉर अप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो कि 100 रुपीज़ है और 20 रुपीज़ ई पेमेंट कमीशन आपको देनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन फ़ी जो है 400 रुपये है। तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं ये जान लीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो अप्लीकेशन फ़ी फ्री है तो आपको फ्री में अप्लाई करना है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार वेस्ट बंगाल से है या वेस्ट बंगाल में जॉब पाना चाहते हैं इस पोस्ट को तुरंत अप्लाई करिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी हमने हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड की है जिस पर आप क्लिक कर कर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ऑनलाइन तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।